उमरिया कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के निर्देश पर युवाओं ने टोली बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों व शहर के वार्डों में कुपोषण के प्रति एक जंग आरंभ कर दी। इसमें रैली के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है व ग्रामीणों को वार्ड वासियों को कुपोषण के प्रति शपथ दिलाकर पौष्टिक पोषण अपने बच्चों को देने के लिए समझाइश दी जा रही है। साथ ही साथ उन्हें बताया जा रहा है कि हर मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर अपने बच्चों का वजन करवाएं, पौष्टिक पोषण आहार लें और स्वस्थ तंदुरुस्त रखें, एक कुपोषण से दूर करें। युवा हिमांशु तिवारी ने बताते हुए कहा है कि हमारे व आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर रैली के माध्यम से कुपोषण के प्रति लोगों को सजग जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। हिमांशु तिवारी ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पोषण और पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया जा सके। वैसे तो हर आयु के स्त्री और पुरुष को पौष्टिक जरूरत होती है। पौष्टिक आहार की कमी की वजह से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता, अतः हर व्यक्ति को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के प्रति जागरूक होना चाहिए। अपने बच्चे को उचित पोषण और पौष्टिक आहार देना चाहिए। बच्चे ही देश के भविष्य हैं और भारत का भाग्य है। उमरिया से राशि मिश्रा की रिपोर्ट।